दोस्तों आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही 10 काफी बेहतरीन खिलाड़ियों का नया आईपीएल टीम फाइनलाइज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन 10 प्लेयर्स का नाम और इनकी नई आईपीएल टीमों के बारे में भी बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन उन 10 प्लेयर्स का नाम और उनकी प्रेडिक्टेड आईपीएल टीमों का नाम बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले प्लेयर है साकिब अल हसन और साकिब अल हसन इस साल के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इस प्लेयर को सस्ते दामों में राजस्थान रॉयल्स की टीम खरीदना चाहेगी क्योंकि राजस्थान अपने स्क्वाड से ऑलरेडी राशि वंडरसन डेरी मिचेल समेत 3 से 4 ऑलराउंडर को रिलीज कर चुकी है। तो उनके भरपाई के लिए ऑक्शन में साकिब को राजस्थान की टीम टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे बड़े प्लेयर है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट, और जो रूट ने खुद ही बताया कि 4 सालों बाद वो ऑक्शन में अपना नाम देंगे, जहां पर अंतिम बार रूट ने 2018 के ऑक्शन में अपना नाम दिया था लेकिन उस बार वो अनसोल्ड चले गए थे। लेकिन इस बार के ऑक्शन में रूट के ऊपर हैदराबाद और चेन्नई जैसी टीमें बोली लगाती हुई नजर आएगी। वहीं इस लिस्ट के तीसरे बड़े प्लेयर है इंग्लैंड के तूफानी सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय, और जेसन रॉय को ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम टारगेट करेगी क्योंकि हैदराबाद की टीम को विदेशी ओपनर की तलाश है और कोलकाता की टीम को भी एक बेहतरीन विदेशी सलामी बल्लेबाज की तलाश है। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे बड़े प्लेयर है केएस भरत, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर में से एक माने जाते हैं, और इस प्लेयर को ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स टारगेट करेगी क्योंकि कोलकाता की टीम को बैकअप विकेट कीपर की तलाश है, जहां पर कोलकाता के स्क्वाड में सिर्फ रहमानुल्लाह गुरबाज ही विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके बैकअप के लिए कोलकाता को इंडियन विकेट कीपर की तलाश है। तो इस वजह से ऑक्शन में केएस भरत को केकेआर की टीम टारगेट करेगी, और वैसे भी कोलकाता के पास थोड़ा सा कम पर्स है तो इस वजह से ये टीम छोटे प्लेयर्स को ही मुख्य रूप से ऑक्शन में टारगेट करेगी। वहीं इस लिस्ट के पांचवे बड़े प्लेयर है निकोलस पूरन, जो कि हाल ही में टी10 लीग में शानदार प्रदर्शन करे, और इस प्लेयर को ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम टारगेट करेगी क्योंकि दिल्ली ने अपने स्क्वाड से टीम साइफोर्ट जैसे विकेट कीपर को रिलीज किया। तो उनके भरपाई के लिए दिल्ली ऑक्शन में निकोलस पूरन के ऊपर 100% बोली लगाएगी। इसके बाद इस लिस्ट के छठवें बड़े प्लेयर है सैम करन, और सैम करन के बारे में आप सब जानते हैं कि सैम करन पहले चेन्नई की तरफ से खेला करते थे, और वैसे भी चेन्नई को ब्रावो के जाने के बाद नए ऑलराउंडर की तलाश है। तो हाईली चांस है कि चेन्नई की टीम सैम करन के ऊपर बोली लगाए। हालांकि पंजाब और मुंबई की टीम भी इस प्लेयर को खरीदना चाहेगी, जहां पर मुंबई ने मिनी आईपीएल यानी कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग में तो सैम करन को खरीद भी लिया, और अब इस साल के ऑक्शन में पोलार्ड के भरपाई के लिए सैम करन को मुंबई की टीम 100% टारगेट करेगी। तो देखने वाले बात यह होगा कि सैम करन को चेन्नई, पंजाब और मुंबई और हैदराबाद में से कौन सी टीम खरीदती है। इसके बाद इस लिस्ट के सातवें बड़े प्लेयर है बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स ने इस साल के ऑक्शन के लिए खुद को अवेलेबल किया, और ऐसे में स्टोक्स के ऊपर ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम बोली लगाएगी, जहां पर राजस्थान को ऑलराउंडर की तलाश है और पंजाब को भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर की तलाश है जो कि नंबर 3 पर खेल सके। इसके बाद इस लिस्ट के आठवें बड़े प्लेयर है पंजाब किंग्स के पूर्व कप्तान यानी कि मयंक अग्रवाल, और अग्रवाल को ऑक्शन में गुजरात टाइटंस 100% टारगेट करेगी क्योंकि गुजरात के प्लेइंग 11 को आप देखेंगे तो इस टीम को बैकअप ओपनर की तलाश है। तो इस वजह से 100% अग्रवाल को ऑक्शन में गुजरात टारगेट करेगी, और मयंक अग्रवाल नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी करके देने में सक्षम है, और गुजरात के साथ चेन्नई की टीम भी अग्रवाल को ऑक्शन में टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के नौवे बड़े प्लेयर है आईपीएल ऑक्शन में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले यानी कि कैमरन ग्रीन, और कैमरन ग्रीन इस साल के ऑक्शन में तूफान मचाते हुए नजर आएंगे, जहां पर काफी सारे क्रिकेट रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि कैमरन ग्रीन इस साल के ऑक्शन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बिक सकते हैं, और इस प्लेयर को मुख्य रूप से लखनऊ और बेंगलोर जैसी टीमें टारगेट करेगी, जहां पर आरसीबी को भी एक ऐसे
ऐसे प्लेयर की तलाश है जो कि बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी कर सके और लखनऊ को भी नंबर 3 पर बेहतरीन प्लेयर की तलाश है। तो हाईली चांस है कि कैमरन ग्रीन के ऊपर ऑक्शन में लखनऊ और बेंगलोर दोनों टीमें बोली लगाएगी। वहीं इस लिस्ट के 10वें अंतिम प्लेयर है केन विलियमसन और विलियमसन को ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टारगेट करेगी, जहां पर चेन्नई को फ्यूचर कैप्टन की तलाश है। तो आपके हिसाब से ऑक्शन में सबसे एक्सपेंसिव कौन बिकेगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।